गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज पूजा पाटोले हियर, और हम लोग जो हैं आपका एमपी कांस्टेबल की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है साइंस का पोर्शन जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ, जिसमें हम लोग साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनका जो है डिटेल एनालिसिस देखेंगे, उनको देखेंगे कि किस तरह के जो है आपके क्वेश्चन आते हैं साइंस से रिलेटेड, ठीक है। एक एक करके जो है हम उन सब चीज़ों को देखेंगे, है ना। इससे पहले मैं आपको अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बता देती हूं कि फ्री प्लान बेनिफिट्स हैं यहां पर, ठीक है। वीकली आपको जो है 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेस मिलती है, डाउट क्लियरिंग होता है आपको, फ्री लाइव क्विजेस होता है, मॉक टेस्ट होते हैं, स्पेशल क्लास के जो कुछ फीचर्स हैं वो आ गए हैं, जैसे कि इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस रहती हैं आपकी, डाउट क्लियरिंग सेशन रहते हैं, पोल्स रहता है ताकि आपको जो है लीडर बोर्ड दिख सके आपका, कितने क्वेश्चन गलत है कितने सही हैं, रेज अ हैंड करके आप टॉप एजुकेटर से जो है बात कर सकते हैं, अपना लाइव जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं, रिजॉल्व करवा सकते हैं। आपको जो है नोटिफिकेशंस मिलेंगे फॉर अपकमिंग क्लासेस और अपकमिंग कोर्सेज के लिए, ताकि आपका जो है कोई भी कोर्स कोई क्लास मिस ना हो। लेक्चर नोट्स आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में जो है प्रोवाइड होंगे, है ना। आपका जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 फ्री मॉक टेस्ट जो है वो चल रहा है, स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट जो है वो भी चल रहा है, एमपीपीएससी मेंस मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है विद एनालिसिस सेशन होता है उसमें, एमपीजीके ब्रह्मास्त्र चल रहा है, वीकली रिविजन टेस्ट सीरीज चलता है आपका, ठीक है। एमपीपीएससी T20 फ्री टेस्ट सीरीज चलता है, 20 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स एवरी मंडे टू फ्राइडे 8 PM, है ना, 30 मिनट्स इन 30 क्वेश्चंस जो है ये भी चल रहा है, सी सैट प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है। और अकेडमी लर्निंग ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है अपने मोबाइल नंबर से उसको लॉग इन कर सकते हैं। आपको जो है फ्री सब्सक्रिप्शन अगर आपको अनलॉक करना है, सबसे पहले जो है आपको अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहां पर जो है एमपीपीएससी व्यापम जो है एज अ गोल आपको जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, एमपीपीएससी एंड व्यापम इस तरीके से आपको दिखेगा, और वो सिलेक्ट करने के बाद आपको एक रेफरल कोड जो है यूज करना पड़ेगा, वो क्या है, पैट लाइव, ठीक है, PATLIVE, पैट लाइव। अगर आप जो है ये कोड यूज करेंगे तो आपको जो है फ्री प्लान बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे, फ्री कोर्सेज जो है आप अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपके जो है प्लस फीचर्स जो है बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल हैं आप लोगों के लिए, है ना। आप जो है घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा आपको सभी कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर्स से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जॉस्टिवली आपका सिलेबस जो है वो कवर होगा, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगा, ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आपके, रेगुलर लाइव टेस्ट सीरीज रहेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन होंगे आपके, मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम भी आपके साथ अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये प्लस फीचर्स है, आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। 22nd ऑफ सितंबर से हिंदी मीडियम का आपका 8 months का फाउंडेशन बैच जो है एमपीपीएससी का प्रीलिम्स एंड मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 22nd ऑफ सितंबर से वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। कंप्लीट बैच कोर्स रहेगा, है ना, सफल पटवारी के लिए आपका कंप्लीट बैच कोर्स है, 22nd ऑफ सितंबर से रहेगा, जिसमें आपका जो है सारे सब्जेक्ट जो है वो कवर कराए जाएंगे फॉर पटवारी, है ना। उसके बाद जो है 23rd ऑफ सितंबर से आपका टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 जीएस की पूर्ण तैयारी जो है 45 डेज क्रैश कोर्स बैच जो है वो स्टार्ट होगा 23rd ऑफ सितंबर से, कल से ही जो है वो बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 45 डेज का जो है क्रैश कोर्स बैच जो है टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स। उसके बाद जो है एक जंबो ऑफर चल रहा है आपका, न्यू अनाउंसमेंट है कि 24 months के सब्सक्रिप्शन पर आपको 4 months का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री मिल रहा है, 12 months के सब्सक्रिप्शन पर आपको 3 months का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री मिलेगा, ठीक है। तो आप ये ऑफर जो है जल्दी से जल्दी जो है अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है। अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एमपीपीएससी एंड व्यापम कैटेगरी को सिलेक्ट करके आप गेट सब्सक्रिप्शन जो है इसको कर सकते हैं, और इसमें जो है आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं पैट लाइव, PATLIVE, ठीक है। आप यहां पर जो है ये रेफरल कोड जो है अप्लाई कर देंगे अप्लाई में, ठीक है, तो आपको जो है 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप 24 months का EMI ऑप्शन भी ले सकते हैं, 12 months का भी आपके पास EMI ऑप्शन अवेलेबल है, 6 months के लिए भी EMI ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आज का जो सेशन है उसको हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं,
देखिए पहला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण जो है समतल दर्पण पर सामान्य रूप से आपतित होती है तो प्रकाश की किरण क्या उसी रेखा में परिवर्तित हो जाएगी? आपतित किरण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए परिवर्तित होगी, या आपतित किरण के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए परिवर्तित होगी, या बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगी? है ना, जवाब दीजिए कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर द रे ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम लाइन विल बी रिफ्लेक्टेड मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द इंसिडेंट रे विल बी रिफ्लेक्टेड विल नॉट रिफ्लेक्टेड एट ऑल। बताइए उसी रेखा में परिवर्तित हो जाएगी, आपतित किरण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए परिवर्तित होगी, आपतित किरण के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए परिवर्तित होगी, या बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगी? रश्मि ने आंसर दिया है ए। सृष्टि जैन गुड इवनिंग, है ना, बताइए आंसर, बताइए फटाफट कि क्या होगा इसमें। रश्मि ने ए आंसर दिया है, चलिए तो ए ही है इसका आंसर, बिल्कुल सही है कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर सामान्य रूप से आपतित होती है तो प्रकाश की किरण उसी रेखा में क्या करती है, परिवर्तित हो जाती है ना, उसी रेखा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, कोई भी कोण वो नहीं बनाती है। ठीक है, चलिए अगला, बिल्कुल जुगल का भी सही है, रमेश का भी सही है। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम के आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम के आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त नहीं होता है? एस्फॉल्ट, कोयला गैस, प्राकृतिक गैस या पैराफिन मोम, बताइए। रश्मि ने ए जवाब दिया है, जुगल बी, और भी लोग जवाब दीजिए फटाफट। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम के आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त नहीं होता है? एस्फॉल्ट, कोयला गैस, प्राकृतिक गैस या पैराफिन मोम, है ना। तो जो सही जवाब है इसका वो बी है, जुगल का आंसर सही है कि जो कोयला गैस आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कोयला गैस जो होता है वो आपका जो है आंशिक जो आसवन होता है उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोयला गैस जो है कोयले के भंजन आसवन या कार्बनीकरण से प्राप्त होता है। ठीक है, कोयला गैस कैसे प्राप्त होता है? कोयले के भंजन आसवन या कार्बनीकरण से प्राप्त होता है। और पेट्रोलियम के आंशिक आसवन द्वारा क्या प्राप्त होता है आपको? एस्फॉल्ट, प्राकृतिक गैस, पैराफिन मोम, डीजल। ठीक है, पेट्रोलियम के आंशिक आसवन से क्या क्या होता है? एस्फॉल्ट, प्राकृतिक गैस, पैराफिन मोम और डीजल प्राप्त होता है। कोयला गैस क्या है? आंशिक आसवन से प्राप्त नहीं होता है, यह आपका जो है भंजन आसवन कार्बनीकरण से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, क्रिस्टी मैट्रिक्स इत्यादि किस कोशिकांग के भाग हैं? बताइए। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रस्ट, मैट्रिक्स एक्सेट्रा आर द पार्ट ऑफ विच सेल ऑर्गेनल, है ना। बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, क्रिस्टी मैट्रिक्स इत्यादि किस कोशिकांग के भाग हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, लयनकाय या गोल्जीकॉय, बताइए। बताइए कि बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, क्रिस्टी मैट्रिक्स इत्यादि किस कोशांग के भाग हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, लयनकाय या गोल्जीकॉय। है ना, जुगल का आंसर सही है ए, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है कि सुकेंद्रकीय जो कोशिकाओं के जो कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंध जो होते हैं वो कोशिकांग को सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, इनका जो आकार छड़नुमा गोलाकार या अंडाकार होता है, कैसा होता है? छड़नुमा गोलाकार या अंडाकार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक क्या है? खोखली थैलीनुमा संरचना होती है। इसका आवरण जो है दो एकल कलाओं, बाह्य झिल्ली व अंततः झिल्ली का बना होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में अंगुली समान उभार बनाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, आधार द्रव्य या मैट्रिक्स में कई प्रकार के अणु, एंजाइम, कुछ महीन कणिकाएं Ca2 जो है प्लस, Mg2 प्लस जो है आयन पाए जाते हैं, कुछ 70S राइबोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रियल DNA उपस्थित होता है। ठीक है, चलो, सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसका अर्थ है कि उत्तरी ध्रुव से देखने पर पृथ्वी निम्नानुसार घूर्णन करती है, पूर्व से पश्चिम वामावर्त दिशा में, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व वामावर्त दिशा में, बताइए।
सूर्य जो है पूर्व में उगता है पश्चिम में अस्त होता है, तो इसका अर्थ है कि उत्तरी ध्रुव से देखने पर पृथ्वी निम्नानुसार घूर्णन करती है, तो पूर्व से पश्चिम वामावर्त दिशा में, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व वामावर्त दिशा में। रश्मि ने ए आंसर दिया है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए, जुगल ने भी ए आंसर दिया है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ठीक है, डी है इसका करेक्ट आंसर, पश्चिम से पूर्व वामावर्त दिशा में, है ना। सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो इसका अर्थ है कि उत्तरी ध्रुव से देखने पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व वामावर्त दिशा में घूर्णन करती है। कहां से देखना है आपको? उत्तरी ध्रुव से, है ना। अगर आप उत्तरी ध्रुव से देखने पर पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व वामावर्त दिशा में घूर्णन करती है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है तथा सूर्य क्या है? स्थिर है। अतः सूर्य का पूर्व में उगना और तथा पश्चिम में अस्त होना इस कथन का प्रमाण है कि उत्तरी ध्रुव से देखने पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व वामावर्त दिशा में घूर्णन करती है। ठीक है, यहीं पर जो है आप लोग क्या होते हो? कंफ्यूज होते हो। चलो, भोजन की आवश्यकता होती है, बताइए भोजन की आवश्यकता होती है केवल शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, केवल नई कोशिकाओं और उत्कों की मरम्मत एवं निर्माण के लिए, केवल आवश्यक ऊर्जा प्रदान के लिए, या उपरोक्त सभी? बताइए फटाफट, है ना, बताइए। इजी है, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? केवल शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, केवल नई कोशिकाओं एवं उत्कों की मरम्मत एवं निर्माण के लिए, केवल आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए, या उपरोक्त सभी? है ना, जुगल का आंसर डी, रश्मि का आंसर डी, एके कुमार का भी आंसर डी, और भी लोग जवाब दीजिए। ठीक है, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, डी ही है इसका आंसर, कि सभी जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचीय क्रिया, जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सुचारू रूप से चलाने हेतु एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, विभिन्न जैविक कार्यों में व्यय होने वाली ऊर्जा की आपूर्ति भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होती है। ठीक है, विभिन्न जैविक कार्यों में व्यय होने वाली जो ऊर्जा है की आपूर्ति भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होती है। यह ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संचित होती है। ठीक है, एटीपी के रूप में संचित होती है। शरीर की वृद्धि में भोजन में उपस्थित प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स और आदि पोषक तत्व क्या होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भोजन के पोषक तत्व जो होते हैं मुख्यतया कौन से होते हैं? प्रोटीन्स द्वारा शरीर में प्रतिदिन होने वाली टूट फूट की मत होती है। भोजन के अव्यय जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ हैं, अतः ये रोगों से क्या करते हैं? रक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सभी जो पॉइंट्स थे, ठीक है, सभी जो हैं शरीर की वृद्धि विकास, जो नई कोशिका, उत्तक का जो मरम्मत है, ऊर्जा प्रदान करना, ये सभी जो है इसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्तिका जो है कार्य नहीं है, है ना, रिक्तिका का कार्य नहीं है? कोशिका को दृढ़ता और स्थिति प्रदान करना, संचयन करना, चलन करना, या अपशिष्ट उत्सर्जन? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रिक्तिका का कार्य नहीं है? कोशिका को दृढ़ता और स्थिति प्रदान करना, संचयन करना, चलन करना, या अपशिष्ट उत्सर्जन करना? बताइए, जवाब दीजिए सभी। डी, बी, चलिए सी है इसका आंसर, डी और बी बोल रहे हैं। कोशिका द्रव्य में एकल कला टोनोप्लास्ट से घिरी संरचना को रिक्तिका या रसधानी कहते हैं। ठीक है, एकल कला टोनोप्लास्ट से घिरी संरचना को क्या कहते हैं? रिक्तिका या रसधानी कहते हैं। इसमें कोशिका रस भरा होता है। ठीक है, परिपक्व पादप जो होते हैं, परिपक्व पादप कोशिकाओं में रसधानियां पाई जाती हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां बहुत छोटी या नहीं पाई जाती। जो जंतु कोशिका होते हैं उसमें जो है आपकी रसधानियां बहुत ही छोटी या नहीं पाई जाती हैं। रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या होता है? पादप कोशिका को दृढ़ता व स्थिति प्रदान करना है। रसधानी जो है खनिज लवणों और तथा पोषक तत्वों का संचयन तथा सांद्रण करती है।
ठीक है, संकुचन रसधानी उत्सर्जन व परासरण नियमन में भाग लेती है जो कि जंतुओं में अधिक मिलती है। खाद्य रसधानी में पाचक रस भरा होने के कारण यह पोषक तत्वों से पाचन में भाग लेती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, रिक्तिका का कार्य क्या है आपका, मुख्य कार्य क्या है इसका, दृढ़ता व स्फीति प्रदान करना है ना रस। ठीक है, चलिए, जब साइकिल की ट्यूब में वायु भर जाती है तो यह फूल जाती है, ऐसा क्यों होता है बताइए। जब साइकिल की ट्यूब में वायु भर जाती है तो यह फूल जाती है तो ऐसा क्यों होता है। वायु की गतिशीलता के कारण, वायु दबाव डालती है, वायु दबाव नहीं डालती, या ट्यूब कठोर पदार्थों से बना होता है होती है। बी बी, अच्छा सभी बी बोल रहे हैं, ठीक है ना, सही आंसर है, बिल्कुल सभी का आंसर सही है, जुगल ए के रश्मि है ना। जब साइकिल की ट्यूब में वायु भर जाती है तो यह फूल जाती है क्योंकि इसमें प्रवाहित वायु ट्यूब में दबाव डालती है, वायु ट्यूब में दबाव डालती है। इसका कारण वायु के अणुओं की निरंतर गति है ना, जो कि आंतरिक सतह पर दबाव उत्पन्न करती है जिससे वायु भरने पर ट्यूब फूल जाती है। परंपरागत बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब प्रयुक्त हो रहे हैं क्यों, परंपरागत बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब प्रयुक्त हो रहे हैं क्यों। ये आकार में छोटे होते हैं, ये कम बिजली का उपभोग करते हैं, वे समान मात्रा में प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पादित करते हैं, या उनकी लागत कम होती है। जी यादव जी, मैं प्लस में हूँ, मेरा प्लस में दो कोर्सेज चल रहे हैं अभी है ना, प्लस में मैं आपका जो है पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, 12:30 से 1:30 मेरी प्लस क्लास चलती है, ठीक है, जिसमें मैं पॉलिटी पढ़ा रही हूँ। कल से नया बैच स्टार्ट भी हो रहा है, जुडिशियल सिस्टम, जिसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ने वाले हैं। जो भी लोग प्लस में हैं या जो लोग जो है सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, कोड जो है नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और मेरा दूसरा जो है कमीशंस का टॉपिक चल रहा है 4 से 6 बजे, 2 घंटे की क्लास रहता है, इसमें मेंस प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से हम लोग कमीशन पढ़ते हैं। एके ने बी दिया है, रश्मि ने भी बी दिया है, जुगल प्रताप ने भी इसका आंसर बी दिया है। चलो देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के, कि परंपरागत बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब प्रयुक्त होते हैं क्योंकि वे कम बिजली का उपभोग करते हैं। एलईडी बल्ब का निर्माण जो है कई एलईडी को श्रेणी क्रम में, कभी कभी श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों में जोड़कर किया जाता है। इनका जो जीवन काल और प्रकाश क्षमता जो रहती है, दक्षता जो रहती है, परंपरागत बल्बों की अपेक्षा अधिक होती है। और एलईडी जो है प्रकाश उत्सर्जन डायोड जिसको कहा जाता है, एक अर्धचालक डायोड होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। इनका उपयोग जो है एलईडी बल्ब, चोर सूचक घंटी, प्रकाशीय कंप्यूटर मेमोरी, टीवी रिमोट आदि में किया जाता है, ठीक है। चलो, यस, लाइट एमिटिंग डायोड। मृदा की शिथिलन और परिवर्तन की प्रक्रिया है सिंचाई और खाद डालना, कटाई और ताड़ना, बुआई और छंटाई, जोतना और जुताई, बताइए। मृदा की शिथिलन और परिवर्तन की प्रक्रिया है सिंचाई और खाद डालना, कटाई और ताड़ना, बुआई और छंटाई, जोतना और जुताई, बताइए। डी आंसर दे रहे हैं, है ना, सभी लोग डी दे रहे हैं, बिल्कुल डी आंसर सभी लोगों का सही है कि जुताई और जोतना मृदा की शिथिलन और परिवर्तन की क्रिया है जो कि भू परीक्षण का प्रथम चरण होता है। इसके बाद बीजों को बोया जाता है। मृदा की जुताई जो है, अर्थात मृदा का जो शिथिलन या भुरभुरा होना होता है, मृदा को उलट पुलट करने से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, भूमि में वायु संचार बढ़ता है जिससे कि फसल उत्पादन बढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्ती के अधिचर्मी छिलके का अस्थाई आरोपण जो कि सूक्ष्मदर्शी में गुलाबी लाल दिखाई होता है, बताइए। पत्ती के अधिचर्मी छिलके का अस्थाई आरोपण जो कि सूक्ष्मदर्शी में गुलाबी लाल दिखता है होता है। आयोडीन में अभिरंजित तथा जल में आरूढ़, सफ्रेनिन में अभिरंजित तथा ग्लिसरीन में आरूढ़,
एसिटोकार्मिन में अभिरंजित तथा ग्लिसरीन में आरूढ़, या मेथिलीन में अभिरंजित तथा ग्लिसरीन में आरूढ़? सी ए बी, नरेश सी बोल रहा है, रश्मि ए बोल रही है, अजय बी बोल रहे हैं, फटाफट दूसरे लोग भी बोले, जुगल ए बोल रहा है। हाँ, क्या है करेक्ट आंसर? बी जो है, अजय का आंसर बिल्कुल सही है ना। पत्ती के अधिचर्मी छिलके का अस्थाई आरोपण जो है, जो कि सूक्ष्मदर्शी में गुलाबी लाल दिखता है ना। इस चीज को ध्यान में रखना कि पत्ती के अधिचर्मी छिलके का अस्थाई जो आरोपण होता है, जो कि सूक्ष्मदर्शी गुलाबी लाल दिखता है, वह सेफ्रेनिन में अभिरंजित तथा ग्लिसरीन में आरूढ़ होता है। ठीक है, वह सेफ्रेनिन में अभिरंजित और ग्लिसरीन में होता है। सेफ्रेनिन एक क्या है? जैविक रंजक है, जिसका उपयोग हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी में किया जाता है। सेफ्रेनिन द्वारा क्या होता है? पादप की पत्ती की उपचर्म को अभिरंजित करके पादप में उपस्थित रंध्रों व पर्ण मध्योतक का क्या होता है? अवलोकन किया जाता है। यस, चलो। अच्छा, अजय ने 12th बायोलॉजी से की है, इसलिए इसको ये आंसर बन गया है। ठीक है, बाकी लोगों से भी बन जाना चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें जो है वो बेसिक होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है, जो ग्रेजुएशन आपका बैकग्राउंड है, उसी से जो है कुछ चीज़ें आपसे नहीं बनेंगी। ऐसा नहीं होता है। जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो सभी के लिए इक्वल होता है, तो वो उसी हिसाब से पेपर बनाते हैं कि जो भी बैकग्राउंड के लोग हैं वो सभी इसको अटेम्प्ट कर पाए। बहुत ही बेसिक सवाल आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, जीवाणु जो है सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका है ना, जीवाणु जो है सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, यहां पर शुतुरमुर्ग का अंडा, हाथी की देह कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या मुर्गी का अंडा, बताइए। स्मॉलेस्ट सेल, जैसे जीवाणु जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है, तो इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी कोशिका है? शुतुरमुर्ग का अंडा, हाथी की देह कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या मुर्गी का अंडा? एके कुमार सी, चलो सी। देखो, इसमें जो है, देखो ये क्वेश्चन जो है ये मैंने इसीलिए डाला था क्योंकि क्वेश्चन जो है आपसे जो है कभी कभी जो है इस तरह के गलत क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो था क्वेश्चन जो था, सबसे छोटी कोशिका के स्थान पर सबसे बड़ी कोशिका जो है उसका आंसर था। तो यहाँ पर जो था उन्होंने क्या पूछा था, जीवाणु जो है जैसे कि सबसे छोटी कोशिका होता है, तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कौन सी है ना, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है इसमें, बताओ। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा, हाथी का देह, श्वेत रक्त कोशिका या मुर्गी का अंडा? हाँ, फील आना चाहिए ना कि एमपी कांस्टेबल का जो है प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, अभी से ही फील करो। चलो है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। यह सबसे बड़ी कोशिका है जिसका जो माप है 170 mm होता है। जीवाणु माइकोप्लाज्मा जो है गैलीसेप्टिकल है ना, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिशियम जो है कि कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है, जिसका आकार जो है वो 0.1 mm है ना, अर्थात जीवाणु का एकवां भाग होता है। ठीक है, चलो। पात्र की दीवारों पर गैसें दबाव क्यों डालती है, बताइए। पात्र की दीवारों पर गैसें दबाव क्यों डालती हैं? क्योंकि गैस अणु उच्च चाल में निरंतर गति में होते हैं, क्योंकि गैस अणुओं के बीच अधिकतम होता है, क्योंकि पात्र उच्च ऊर्जा वाले गैस कणों को आकर्षित करता है, क्योंकि गैस कणों में निम्न गतिज ऊर्जा होती है, बताइए। फटाफट आंसर कीजिए कि पात्र की दीवारों पर गैसें दबाव क्यों डालती हैं? क्योंकि गैस अणु उच्च चाल में निरंतर गति में होता है, क्योंकि गैस अणुओं के बीच अधिकतम होता है, क्योंकि पात्र उच्च ऊर्जा वाले गैस कणों को आकर्षित करता है, क्योंकि गैस कणों में निम्न गतिज ऊर्जा होती है, बताइए। डी आंसर दे रहे हैं एके, रश्मि ए, जुगल डी।
ए आंसर है इसका, रश्मिका सही है कि पात्र की दीवारों पर जो गैसें हैं इसीलिए दबाव डालती हैं क्योंकि गैस के अणु उच्च चाल से निरंतर गति करते हैं। ठीक है, जो गैस के अणु हैं वो उच्च चाल से निरंतर गति करते हैं जिसके कारण जो है उनके मध्य टक्करें होती हैं जिससे पात्र की आंतरिक दीवारों पर एक क्या होता है, दबाव उत्पन्न होता है। पात्र की आंतरिक दीवारों पर क्या होता है, एक दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है, बिल्कुल पंकज का भी सही है। एक वस्तु फर्श पर विरामावस्था में है, उस वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए एक बल प्रयुक्त किया जाता है, इस क्षण में कौन सा घर्षण बल क्रिया के अंतर्गत आएगा, स्थैतिक घर्षण, बेलनी घर्षण, सपी घर्षण या द्रव घर्षण। बताइए आंसर। एक एक का ए है, रश्मि बी, जुगल ए, शिल्पा ए। हाँ बिल्कुल ए आंसर जो है वो करेक्ट है कि एक वस्तु फर्श पर विराम अवस्था में है और उस वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए एक बल प्रयुक्त किया जाता है, इस क्षण में जो घर्षण बल है स्थैतिक घर्षण बल क्रिया के अंतर्गत आएगा। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में विराम अवस्था में होती हैं तो उनके बीच आपेक्षिक गति होने से पूर्व जो घर्षण कार्य है वो क्या कहलाता है, स्थैतिक घर्षण कार्य, स्थैतिक घर्षण कहलाता है। स्थैतिक घर्षण बल क्या है, एक स्वतः समायोजित बल होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर जो है सही है, पंकज का भी, विपिन पांडे का भी। चलिए, जब कोई वस्तु जो है किसी दूसरी वस्तु के तल पर बिना फिसले लुढ़कती है, रोल करती है, लुढ़कने की कोशिश करती है, तो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच क्या होता है, कार्यरत घर्षण लगता है, बल लौटने या बेलनी घर्षण लगता है। जब एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, फिसलती है, लुढ़कती है, तब क्या होता है, बेलनी घर्षण होता है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तल पर सरकती है या फिसलती है तो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच क्या होता है, कार्य घर्षण, सपी घर्षण कहलाता है। जब वो फिसलती है या सरकती है एक दूसरे के ऊपर तो सर्पी घर्षण होता है, और लुढ़कती है एक दूसरे के ऊपर तो क्या होता है, रोल जब करती है तो क्या होता है, बेलनी घर्षण होता है, है ना। चलो, एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निम्न में किसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है, एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निम्न में से किसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है, सामान्य जुकाम, वृक्क रोग, छोटी चेचक या हैजा। बताइए, शिल्पा बी दिया है, पंकज बी, जुगल बी, रश्मि बी, सभी का आंसर बी करेक्ट आंसर है। एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर वृक्क रोग का दीर्घकालिक प्रभाव होता है। दीर्घकालिक रोग लंबे समय तक रहते हैं, जो कभी कभी जीवन पर्यंत भी रहते हैं, परंतु कुछ रोग जो हैं लंबे उपचार के बाद ठीक भी हो जाते हैं। ये मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक विपरीत प्रभाव डालते हैं, जैसे कि वृक्क रोग हो गया, कैंसर हो गया, फील पाँव हो गया, हाथी पाँव हो गया। वृक्क रोग में वृक्क के निष्क्रिय हो जाने से यूरिया और नाइट्रोजनी पदार्थों की जो मात्रा है बढ़ने में रुधिर में जल व लवणों का संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। जबकि चेचक, सामान्य जुकाम और हैजा जो है तीव्रकालिक रोग है जो बहुत कम अवधि के लिए होते हैं। चलो, निम्न में से कौन सा प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है, बताइए, निम्न में से कौन सा प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है, जल्दी, वस्तु होल्डर, प्रकाश का स्रोत, दो लेंस, हैंड लेंस। शिल्पा ने जवाब दिया है ए, एके का भी ए है, पंकज डी, जुगल ए, अजय ए। निम्न में से कौन सा प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है, वस्तु होल्डर, प्रकाश का स्रोत, दो लेंस या हैंड लेंस।
डी है इसका जवाब, ठीक है। पंकज का आंसर सही है, रश्मि का भी आंसर सही है कि हैंड लेंस जो होता है प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है। हैंड लेंस या आवर्धक लेंस एक उत्तम लेंस है, यह एक गोल फ्रेम में मढ़ा होता है जिसमें एक हत्ता भी लगा होता है। इसका उपयोग जो है वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत हो जाती हैं? बताइए, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत हो जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, लघु पट्टिकाएं या रक्त? बताइए, ए के बी, फटाफट आंसर कीजिए। जुगल ए, पंकज ए, रश्मि ने भी ए दिया है क्या? ठीक है, ए आंसर बिल्कुल सही है, अजय का भी आंसर सही है ना। लाल रक्त कोणिकाएं की जो औसत आयु होती है वो 120 दिन की होती है, अर्थात 120 दिनों में ये नवनिकृत हो जाती है और इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। ये केवल कशेरुकियों के रुधिर में पाई जाती है, ठीक है। इनकी जो औसत संख्या होती है वो 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है और लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का वर्णक होता है जो कि शरीर में ऑक्सीजन परिवहन में सहायक है, ठीक है। क्या करता है ये? सबसे पहले तो 120 दिन का इसका औसत आयु होता है, ठीक है। ये जो है 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर का जो है इसकी संख्या होती है, ठीक है। केवल कहाँ पर पाई जाती है? ये कशेरुकियों के रुधिर में पाई जाती है और ये जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं इसमें हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का वर्णक होता है जो कि ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होता है। अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में इसे सम्मिलित करना चाहिए, किसको? विटामिन डी, सी, के, ए, बताइए। अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में इसे सम्मिलित करना चाहिए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, बिल्कुल। हाँ, रश्मि, पंकज, जुगल, एके, अजय सबने डी दिया है, शिल्पा ने ए दिया है ना। बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही है ना। आपकी जो आंखें हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए हमें विटामिन ए की जरूरत होती है, ठीक है। विटामिन ए जो है बहुत जरूरी है। विटामिन ए को जो है केराटिन और रेटिनॉल के रूप में जाना जाता है, तो आपको ये दोनों नाम जो है याद रखने हैं कि विटामिन ए को केराटिन या रेटिनॉल के रूप में जाना जाता है। विटामिन को जो है प्रतिसंक्रमण एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, केराटिन और रेटिनॉल माना जाता कहा जाता है और क्या कहा जाता है, एंटी इन्फेक्शन प्रतिसंक्रमण विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ए को। और यह जो सामान्य दृष्टि एवं स्वास्थ्य आंखों के लिए, स्वस्थ आंखों के लिए बहुत ज्यादा क्या है, आवश्यक है। जैसे कि आपको बोला जाता है इनके जो प्रमुख स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, जैसे पालक हो गया है ना, गाजर, पपीता, मछली, यकृत का तेल जो है आदि, बोला जाता है कि आप इनको खाइए तो आपका विटामिन ए जो है आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। इसकी कमी से रतौंधी है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी और जीरो फैथलमिया या किरेटोमेलेसिया रोग हो जाते हैं, ठीक है। अब बताइए, सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए है ना, सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए एक छोटे बिंदु पर हजारों दर्पण या वक्र धातुओं के उपयोग द्वारा केंद्रित किया जाता है, यह इसमें होता है सौर भट्टी, सौर हीटर, सौर सेल या सौर बैटरी। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म करने बनाने के लिए एक छोटे बिंदु पर हजारों दर्पण या वक्र धातुओं के उपयोग द्वारा केंद्रित किया जाता है, यह किसमें होता है? सौर भट्टी, सौर हीटर, सौर सेल या सौर बैटरी, बताइए आंसर। जुगल ए, एके सी, एके सी, पंकज सी, है ना। बिल्कुल जो है ए जो है इसका है ना करेक्ट आंसर है कि सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए एक छोटे बिंदु पर हजारों दर्पण या वक्र धातुओं के उपयोग द्वारा केंद्रित किया जाता है, यह सौर भट्टी में होता है, ठीक है। सौर भट्टी में होता है। सौर भट्टी एक संरचना है जो उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा को केंद्रित करती है, ठीक है। सौर ऊर्जा है ना उच्च तापमान को प्राप्त करने के लिए केंद्रित करती है। इसमें हजारों दर्पण या वक्र धातुओं का क्या होता है, एक फोकल बिंदु पर प्रकाशित कर उनको जो है केंद्रित किया जाता है। फोकल बिंदु पर तापमान 3500 है ना डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इस गर्मी का उपयोग बिजली उत्पन्न करने, इस्पात को पिघला
जलाने, हाइड्रोजन ईंधन बनाने में किया जाता है। ठीक है, बताइए विषम को चिन्हित कीजिए, समुद्री घोड़ा, फ्लाइंग मछली, जेलीफिश या रोहू। विषम को चिन्हित कीजिए, समुद्री घोड़ा, फ्लाइंग मछली, जेलीफिश या रोहू। रश्मि डी, अजय ए, एके डी, पंकज डी, निशा रोहू, जुगल डी। सी है इसका आंसर। दिए गए विकल्पों में से जेलीफिश एक क्या है? अकशेरुकी प्राणी है। समझे, जो जेलीफिश है वो एक अकशेरुकी प्राणी है, जबकि शेष विकल्प जो है कशेरुकी प्राणी है। ठीक है, अकशेरुकी प्राणी कौन सा है? जेलीफिश है, और कशेरुकी जो प्राणी है वो क्या है? मत्स्य वर्ग में आते हैं, उसके अंदर आते हैं, है ना। जो जेलीफिश है, जिसको जो है आप सिलेटेंट्रा जो है निडेरिया संघ का जलीय द्विस्तरीय जंतु है, जिसमें उत्कीय स्तर का शारीरिक संगठन होता है। किसका? उत्कीय स्तर का शारीरिक संगठन होता है जेलीफिश। जेलीफिश सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ का जलीय द्विस्तरीय जंतु है। यह क्या होता है? बहुरूप पॉलीमॉर्फिज्म में प्रदर्शित करते हैं, इसको बहुरूपता में भी जो है प्रदर्शित करते हैं। इनमें जो है दंश कोशिकाएं जो है पाई जाती है। ठीक है, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आत्मरक्षा, किसी वस्तु से चिपकने या शिकार करने का कार्य करती है। ठीक है, इसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है जो आत्मरक्षा, किसी वस्तु से चिपकने या शिकार करने का कार्य करती हैं। जेलीफिश या जैविक नाम जो है इसका क्या है? ओरेलिया, फ्लाइंग फिश जो है एक्सोसिटस, या रोहू लेबिया रोहिता है। ठीक है, तो जेलीफिश है इसका आंसर। रोहू जो है एक टाइप की फिश होती है, मछली होती है एक टाइप की रोहू। है ना, बताइए जड़ और प्ररोह के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक हैं। हाँ, रोहू मीठे जल की फिश है, रोहू फिश है, खाते भी है रोहू को बंगाल में, ज्यादातर यहाँ पे भी मिलती है मध्य प्रदेश में। चलो, जड़ और प्ररोह के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक हैं, भरण ऊतक, अधिचर्मी ऊतक, विभ्योजतक ऊतक या वाहिका ऊतक। अजय का सी, रश्मि का सी, शिल्पा का डी। जड़ और प्ररोह के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक हैं, भरण ऊतक, अधिचर्मी ऊतक, विभज्योतक ऊतक या वाहिका ऊतक। सी है इसका करेक्ट आंसर। अजय और रश्मि का सही है ना, शिल्पा और जुगल का गलत है। सी आंसर है पादपों में निरंतर विभाजित होने वाली अपरिपक्व कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है? विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। और विभज्योतक ऊतक जो है मुख्य रूप से तनों एवं जड़ों के शिखाग्र, एपिकल रीजन और पर्व संधियों, इंटरनोड्स के आधार पर उपस्थित होते हैं। जड़ों में मूल शीर्ष विभज्योतक मुख्य जड़ मेन रूट के शीर्ष पर तथा इसकी शाखाओं के शीर्ष पर पाया जाता है। प्ररोह शूट एपेक्स, ठीक है, प्ररोह शीर्ष शूट एपेक्स की स्थिति जो है प्ररोह में अंतस्थ क्षेत्र टर्मिनल रीजन को दर्शाता है, जबकि मूल शीर्ष मूल गोप रूट कैप जो है की उपस्थिति के कारण उपअग्रीय सब टर्मिनल होता है। ठीक है, सी है इसका आंसर, विभज्योतक उतक। परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को कहा जाता है। परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर, वोल्टामीटर, वोल्टमीटर या अमीटर। दोनों ऑप्शन सेम हो गए,
गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, अमीमीटर। चलो तीन ही ऑप्शन दे दो। परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? DDCDD। चलो डी आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है। अजय इस बार आपका आंसर गलत हो चुका है। परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मापन से प्रयुक्त होने वाली यंत्र को अमीटर कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर द्वारा परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता जो है लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, परिपथ में धारा की उपस्थिति का जो है पता लगाया जाता है। परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को एमीटर कहा जाता है। ठीक है, धारा के मापन में एमीटर होता है, धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर से। और वोल्ट मीटर द्वारा क्या होता है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। और वोल्ट मीटर का जो उपयोग है विद्युत अपघट्य क्रिया के माध्यम से विद्युत धारा की मात्रा को मापने में किया जाता है। ठीक है, नीचे उल्लेखित पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक अजीवीय हैं, उन्हें पहचानिए। अजैव पोषक तत्व, शाकाहारी अपघटकारी, जलवायवीय कारक वन। अपघटकारी और अजैव पोषक तत्व, अपघटकारी और जलवायवी कारक, अजैव पोषक तत्व और वन, जलवायवीय कारक और अजैव पोषक। रश्मि ने आंसर दिया है ए। भाग सिंह डी। और लोग भी दीजिए फटाफट आंसर। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक अजीवीय हैं, इनमें से बताइए कौन है, वो पहचानिए। अजैव पोषक तत्व, शाकाहारी अपघटकारी, जलवायवीय कारक वन। डी जो है करेक्ट आंसर है ना। भाग सिंह का सही है कि जलवायवीय कारक और अजैव पोषक जो है क्या है, दो घटक अजीवीय है ना। अनेक प्रकार के अजैविक और जैविक कारकों के मिलने से पारिस्थितिक तंत्र का जो है निर्माण होता है। पारिस्थितिक तंत्र के जो जैविक घटकों में सजीवों का सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि पादप, जंतु, जीवाणु आदि, जबकि अजैविक घटकों में सभी निर्जीव पदार्थों को जो है सम्मिलित होते हैं, जिसमें जो है जलवायवीय कारक जैसे कि प्रकाश, तापमान, मृदा, वायु, जल, वायुमंडलीय गैसें और अजैव पोषक तत्व पाए जाते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है वह शाकाहारी व अपघटकारी जैविक घटकों के उदाहरण हैं। ठीक है, चलो बाकी जो है अब हम लोग जो है कल जो है बाकी के क्वेश्चंस जो है अब हम लोग लगाएंगे। नीचे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसमें जो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ये जो भी हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आपके रिवीजन के लिए मैं उसमें पीडीएफ्स भी जो है शेयर कर दूंगी। ठीक है, नीचे जो है टेलीग्राम लिंक की चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरा प्रोफाइल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है अनअकैडमी का, आप उसको भी जाकर जो है मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। स्पेशल क्लास जो है मेरी ले सकते हैं। स्पेशल क्लास में मैं जो है साइंस की जो क्लास है वो स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरी क्लास होगी। और टेलीग्राम चैनल भी जो है आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं वहां पर भी जो है आपको मैसेज कर दूंगी कि मेरी क्लासेस जो है कब से स्टार्ट हो रही हैं और क्या टाइमिंग उसका रहेगा। ठीक है, प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप पैट लाइव जो है मेरा कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्लस क्लोज जो है ज्वाइन करना है तो पैट लाइव इज माई कोड, ये ज्वाइन करके 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, है ना। प्लस कोर्स में जो है हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कमीशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मंथ जो है साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री, ये दोनों भी चीज़ें जो है स्टार्ट होने वाला है। आधुनिक भारत और विज्ञान जो है वो भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, है ना। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपकी जो है कोई भी क्लास मिस ना हो। मंडे टू फ्राइडे हम लोग साइंस के PYQs करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट?
ओके ठीक है, कल मिलते हैं फिर हम लोग 7:30 बजे। थैंक यू सो मच।